कभी कभी जिस देश में गंगा रहता है, झनकार बीन्स और चमेली जैसी मूवीज में काम कर चुकी एक्ट्रेस रिंकी खन्ना इंडस्ट्री से अचानक कहीं गायब ही हो गई। वैसे आपको बता दें कि रिंकी खन्ना अक्षय कुमार की साली साहिबा हैं, जिन्होंने बहन ट्विंकल की तरह ही बॉलीवुड में एंट्री तो की लेकिन वो भी कामयाब नहीं हो पाई। रिंकी ने जब बॉलीवुड में कदम रखा था तो वो महज 17 साल की थी। रिंकी का बॉलीवुड करियर बेहद छोटा रहा। रिंकी ने 4 साल के करियर में करीब 9 ही फिल्मों में काम किया। हालांकि जब फिल्मों में कामयाबी नहीं मिली तो रिंकी ने घर बसाने का फैसला किया। रिंकी ने यह 1999 में फिल्म प्यार में कभी कभी से बॉलीवुड में एंट्री की थी। इस फिल्म के लिए उन्हें बेस्ट फीमेल डेब्यू के लिए जी सिने अवार्ड्स भी मिला था। इसके बाद वो गोविंदा और सोनाली बेंद्रे की फिल्म जिस देश में गंगा रहता है में सपोर्टिंग रोल में दिखी। इसके बाद रिंकी ने फिल्म मुझे कुछ कहना है में भी सपोर्टिंग रोल किया। 2003 में आखिरी बार फिल्म चमेली में उन्होंने काम किया और रिंकी ना सिर्फ बड़े पर्दे से दूर हैं बल्कि वो लाइमलाइट से भी दूर ही रहती हैं। हालांकि रिंकी खन्ना आखिरी बार चमेली फिल्म में दिखी थी। इसके बाद उन्होंने फरवरी 2003 में बिजनेसमैन समीर सरन के साथ शादी कर ली और शादी के बाद रिंकी ने बॉलीवुड से पूरी तरह किनारा कर लिया। शादी के बाद रिंकी लंदन में सेटल हो गई और 1.5 साल बाद यानी अक्टूबर 2004 में वो माँ बनी और बेटी नाओमी का को जन्म दिया। इसके बाद रिंकी ने 2013 में एक बेटे को जन्म दिया। रिंकी अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर भी कभी सुर्खियों में नहीं रही। इतना ही नहीं, रिंकी सोशल मीडिया के जरिए भी अपने फैन से नहीं जुड़ी हुई है। आपको बता दें कि फिल्मों में आने से पहले रिंकी का नाम रिंकल था। दरअसल उनके पेरेंट्स ने दोनों बेटियों के नाम ट्विंकल और रिंकल रखे थे। हालांकि बाद में रिंकल ने अपना स्क्रीन नेम बदल कर रिंकी कर लिया। कल पिछले साल रिंकी खन्ना अपनी बेटी नियोमिका सरन, माँ डिंपल कपाड़िया और बहन ट्विंकल खन्ना के साथ नजर आई थी। रिंकी की बेटी नियोमिका सरन अब 16 साल की हो चुकी है और वहीं उनका बेटा 7 साल का है। अब तो ये थी अक्षय कुमार की साली साहिबा जो अब लंदन में अपनी शादीशुदा जिंदगी जी रही हैं। बॉलीवुड की लेटेस्ट न्यूज, गॉसिप, फिल्म रिव्यूज, सॉन्ग रिव्यूज के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल क्रेजी फॉर बॉलीवुड को। And yes, don't forget to press the bell icon ताकि हमारे चैनल पे आई कोई भी नई इन्फॉर्मेशन आप बिल्कुल भी मिस ना कर पाएं।